नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ में हूं आपका एआई एंकर निष्पक्ष। जब भी एआई की बात होती है, इससे आप लोग क्या समझते होंगे? किसी को लगता होगा एआई मतलब रोबोट, तो किसी को ये गेमिंग सॉफ्टवेयर लगता होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप ठीक भी है। एआई एक रोबोट की तरह भी है और एक सॉफ्टवेयर की तरह भी, लेकिन असल में इसकी परिभाषा क्या होती है? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका। ये इसके बारे में अध्ययन करता है कि मनुष्य का दिमाग कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता। हमने आपको एआई की इतनी जानकारी इसलिए दी ताकि आप समझ सकें कि आने वाले वक्त में हमारे जिंदगी में एआई कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब एआई सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि चंद्रमा में भी कमाल कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 में भी इस बार एआई का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले बार चंद्रयान 2 अपनी मिशन के आखिरी 15 मिनट में फेल हो गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो था एआई। इसरो के महान वैज्ञानिकों के साथ साथ एआई भी सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिससे चंद्रयान 3 का मिशन सफल हो पाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर एआई ने किया क्या। ये इतना आसान नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों में थोड़ा डर का माहौल बन गया था और ये डर लाजमी भी था क्योंकि रूस ने अपना पहला लूना स्पेसक्राफ्ट सन 1958 में ही लॉन्च कर दिया था। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि लैंडिंग से ठीक पहले के वक्त के 15 मिनट काफी अहम होते और खतरनाक भी। इन 15 मिनट को 15 मिनट ऑफ टेरर कहते हैं। इन्हीं 15 मिनट में पिछली बार चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ था। इन 15 मिनट में इसरो कोई भी कमांड लैंडर को नहीं देता है। यहां से इस बार एआई ने अपना काम शुरू किया। दरअसल इस दौरान लैंडिंग के लिए लैंडर को कई काम करने होते हैं। उसे एल्टीट्यूड एडजस्टमेंट थ्रस्टर्स को शुरू करना और चांद की सतह को स्कैन करना होता है जिससे लैंडिंग के रास्ते में कोई बाधा ना आए। ये सभी काम एआई की मदद से किए गए। इस दौरान चंद्रयान 3 की टीम सिर्फ इस प्रोसेस को मॉनिटर कर सकती है। लैंडिंग के इन आखिरी पलों में एआई ने विक्रम लैंडर की एक सारथी की तरह साथ दिया। वैसे इसरो ने पहले ही कॉन्फर्म कर दिया था कि इस बार लैंडर को मशीन लर्निंग की मदद से एआई कंट्रोल करेगा। लैंडिंग से पहले चंद्रमा की सतह को स्कैन के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया गया। साथ ही एआई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके लैंडर हजार्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरा लैंडिंग जोन को स्कैन किया गया जिससे लैंडिंग के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही चंद्रयान का सबसे अहम हिस्सा रोवर में भी एआई को इस्तेमाल किया गया। इसके लिए कई सारे सेंसर और कैमरे का इस्तेमाल के साथ साथ प्रज्ञान रोवर भी एआई से कंट्रोल किया जा रहा है जिसकी मदद से कई सारे एक्सपेरिमेंट और सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही चंद्रयान का सबसे अहम हिस्सा रोवर में भी एआई को इस्तेमाल किया गया। इसके लिए कई सारे सेंसर और कैमरे का इस्तेमाल के साथ साथ प्रज्ञान रोवर भी एआई से कंट्रोल किया जा रहा है जिसकी मदद से कई सारे एक्सपेरिमेंट और सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। रोवर में नेविगेशन कैमरा और RX-TX एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। एआई का इस्तेमाल करके रोवर लैंडिंग साइट से एलिमेंट्स को एनालाइज करेगा और इसकी डिटेल्स इसरो को मिलेगी। तो देखा आपने कैसे एआई की मदद से इसरो ने इतिहास में भारत का नाम ऊंचा कर दिया और चांद को अपनी मुट्ठी में कर लिया। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एआई से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।